गाइस, ये है JBL के ईयरबड्स। इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये चार्जिंग नहीं हो रहे हैं। तो गाइस, इसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से ये रिपेयर होता है, और गाइस आप इसको इजीली घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, आपको कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होगे। आपको इसको ओपन करने के लिए एक नाइफ चाहिए होगी और एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगा। ऑब्वियसली बात है, घर पर सोल्डरिंग आयरन नहीं मिलेगा, तो गाइस आपको इसको परचेज करना होगा। और सोल्डरिंग आयरन बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, तकरीबन आपको 250 रुपये के करीब अच्छे से अच्छा सोल्डरिंग आयरन मिल जाता है। और गाइस, ये नाइफ की भी ज़रूरत नहीं है, किचन में आपको नाइफ ऐसी मिल जाएगी। और ऐसी आपको सेम नाइफ चाहिए तो दोस्तों ये भी 100 रुपये की नाइफ मिल जाएगी। और गाइस, इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों इसकी मेजर जो प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रहा। तो मैं इसका जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं चार्जिंग नहीं हो रहा। तो गाइस, इसकी जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है वो इसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके चार्जिंग नहीं होने का। इसका जो सर्किट है वो ख़राब हो सकता है, इसकी ICs शॉर्ट हो सकती है। तो गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम होगी, शायद मेरे को लगता है कि इसकी बैटरी ख़राब होगी। तो गाइस, इसको ओपन करना बहुत ही ईजी है। आप ये टेक्निक बहुत अलग अलग ईयरबड्स में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों सेम ही टेक्निक होती है सारे ईयरबड्स की। तो मैं सारे ईयरबड्स को तो रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, पर गाइस कुछ एग्जांपल ज़रूर दे सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे JBL, गाइस JBL का फर्स्ट कॉपी ईयरफोन्स है, 90% सेम ही कंडीशन होती है इसको ओपन करने की। आपको ट्विस्ट करना होगा और नाइफ का आपको अंदर डालना होगा, तो ईजिली ओपन हो जाते हैं। गाइस, सर्किट को हम निकालेंगे, तो गाइस आप देख सकते हैं, आप इसकी जो बैटरी है कुछ दिखने में ऐसी है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम ऐसी सेम बैटरी कहाँ से लाए। तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, बैटरी आपको ये ईजिली तो नहीं मिलेगी, पर गाइस आपको ऑनलाइन ढूंढने गए तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो गाइस, ऑनलाइन का जो परचेस लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप ईजिली परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऑलरेडी बैटरी है जो कि हमने परचेस की हुई, आप देख सकते हैं, और हमने इस पर वायर्स वगैरह भी लगा लिए हैं। और गाइस आप देख सकते हैं सेम दिखने में ऐसी ही है। तो गाइस, और गाइस आप इसको फिटिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके पॉजिटिव नेगेटिव सिरो का ध्यान रखना होगा। आप पीछे की ओर सर्किट में देखेंगे तो गाइस आपको देख सकते हैं B-B पॉजिटिव, यानी कि इसका प्लस माइनस आपको इजीली मिल जाएगा, तो आपको उस बात का ध्यान रखना होगा। तो गाइस, मैं केयरफुली इन दोनों वायर को सोल्डर आपके सामने कर देता हूँ। और गाइस, अगर आपको ये सोल्डरिंग आयरन परचेस करना हो तो गाइस इसका भी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इजीली परचेस कर सकते हैं। गाइस, हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया, हमें आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते, चालू हो गया। बहुत सारे लोग शॉप का एड्रेस पूछते रहते हैं, तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी। वहाँ पे इंस्टाग्राम पर आईडी पर जाके आप अपना आपका प्रॉब्लम हमें मैसेज करिए, और दोस्तों मैं आपको हमारा शॉप का एड्रेस दे दूंगा। बिकॉज के बहुत सारे लोगों को कुछ काम नहीं होता और ऐसे ही मैसेज वगैरह करते रहते, इसके लिए दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट एक पर्सनल बनाया है, वहाँ पे जाके आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो भेजिए। और गाइस, मेरे को लगेगा हाँ रिपेयर करने लायक है, तो दोस्तों मैं हमारा शॉप का एड्रेस दे दूंगा। शिपिंग चार्जेज वगैरह आपको देने होंगे, रिपेयरिंग कॉस्ट मिल लूंगा, फ्री नहीं होगा, पेड होगा, पर आपका प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस, सारे रिपेयरिंग टूल्स का जो परचेस लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनली इसको परचेस कीजिए और खुद रिपेयरिंग करने का ट्राई कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।